खबर हल्द्वानी से है, जहां बरेली फन सिटी गए मुखानी के केवीएम स्कूल के छात्रों के दल में एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बता दें कि मामला बीते गुरुवार का है, जहां चिल्ड्रंस डे के मौके पर मुखानी स्थित बम स्कूल के छात्रों का दल बरेली फन सिटी गया था और उसी दौरान वो 12वीं की एक छात्रा अचानक बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद कुछ समय छात्रा की मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से ये सब हुआ है। उन्होंने बताया कि बच्ची को एम्बुलेंस में बरेली से हल्द्वानी के अस्पताल दिखाने लाया गया, जबकि बरेली में ही बड़े बड़े अस्पताल हैं। वहीं इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि उनके पास लिखित तहरीर आई है, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरी की पूरी लापरवाही स्कूल प्रशासन की है। सबसे पहले तो कॉल करके बताते हैं यहाँ घर पे कि आपकी बिटिया बेहोश हो गई है, हम इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत बाद फिर कॉल करते हैं कि आपकी बिटिया नहीं रही, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने यहाँ से नंबर लिया, घर से उनको कॉल किया, मैंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम इसको हॉस्पिटल में ले गए हैं। मैंने कहा चेक किया डॉक्टर ने? बोला नहीं, गाड़ी में ही चेक किया। मैंने कहा एडमिट किया? बोला नहीं किया। मैंने कहा आप इसको यहाँ रोके मैं आ रहा हूँ? बोला नहीं, इज नो मोर, हम इसको वापस ले जा रहे हैं। ये बयान थे स्कूल के। आपको कब पता चला? मेरे को इन्होंने बताया था 1 बजे। और जो स्कूल का दल है वो कितने बजे आया है? अब स्कूल का दल तो यहाँ कितने बजे पहुँचा? शाम को 4 बजे पहुँचा, क्योंकि मैं तो शाहजहाँपुर हूँ। इनको मैंने बोला आप वहाँ से रोक के मैं पहुँचता हूँ अगले 2 घंटे के अंदर, बरेली लाओ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाइए। क्यों लाए नहीं? क्योंकि जितनी देर में इसको हल्द्वानी लाए उतनी देर में मैं वहाँ पहुँच जाता, तो इनकी ट्रीटमेंट उसका बरेली में हो जाता, किसी हॉस्पिटल में हो जाता। उससे बरेली नज़दीक था, इनको बरेली ले जाना चाहिए था, बरेली नहीं ले गए, सीधे इन्हें हल्द्वानी उठा के लाए उसको। सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया है ना, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है और इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद जैसे भी जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा विवेचना को। देखिए अभी तक तो यही है कि तहरीर दी है, उनकी तरफ से तहरीर आई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए अब वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, तो जैसे विवेचना चलेगी उस। देखिए मैं अभी फिलहाल तो सिर्फ अपने डोमेन पर ही बात करूँगा, तो हमारे यहाँ ये सूचना आई कि इस तरह से बच्चे की बॉडी आई है, तो जो भी इसमें सरकारी कार्रवाई होती है ना, जो भी शासन तक हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं।